ओम शांति, ओम शांति। अभी लगता है आया तो आज बाबा ने कहा है, तुम रॉयल कुल के हो, रॉयल स्टूडेंट हो, रॉयल कुल के हो, रॉयल स्टूडेंट हो। कितनी रॉयल की उम्र में होनी चाहिए? चाहिए क्या? जरूरी है। बाबा साकार में भी कहते थे, जो रॉयल फैमिली वाले होते हैं ना, साधारण स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। लंदन में भी खास स्पेशल एरिया है रॉयल फैमिली के लिए पढ़ने वालों के। भाई कहेंगे नेहरू यहां से पढ़ के गया है, तो रॉयल स्टूडेंट है, रॉयल कुल के है, तो अपने पर्सनैलिटी में देखे रॉयल्टी कितनी आई है मेरे में। तो आज मेरा जी चाहता है स्पष्ट करे, हम रॉयल्टी किसको कहते हैं? क्या सिर्फ ताज हो, बड़ा महल हो, या मोटर गाड़ी हो, या क्या हो, और मेरे पीछे दो तीन कारें घूमती हो सिक्योरिटी के लिए? क्यों आज का जमाना ऐसा है, सिक्योरिटी के लिए बड़ा प्रबंध रखना पड़ता है लोगों को। हमारे को कोई सिक्योरिटी गार्ड चाहिए नहीं, बैठा है सिक्योरिटी में बैठे है। तो अंदर से मुरली की हेडिंग देखते ही हमारे में कितनी रॉयल्टी बाबा ने, ऐसा चेहरा। बोले भक्ति मार्ग में देवों की मूर्ति होंगी, देवताओं की, वो तो हमारे अभी ऐसा सेवा बाबा ने कराई है, ऐसी पराई पराई है, इतनी प्यूरिटी की रॉयल्टी आई है, तो पुजारी बेचारे समझते कैसे पूजा करें इनकी, कैसे मंदिर बनाए। दो तीन दिन पहले कोई आत्मा मिलने के लिए ऊपर आई, कहा ये अपने ब्रह्मा कुमार कुमारों को देख करके मैं मंदिर बना रहा था, बड़ा अच्छा। अभी कहते मंदिर नहीं बनाऊं, ऐसा आप जो बोलो वो म्यूजियम बनाऊं, क्या बनाऊं, जो आप बोलोगे बनाऊं। देखते ही उसको प्रेरणा आने लगी है, मंदिर बना रहा था, फाउंडेशन में पड़ा मंदिर बना रहा है। अब इसकी भावना हो गई है, मंदिर बनाने के बजाय म्यूजियम क्यों नहीं बना दो? कितनी रॉयल्टी आ गई। जो हमारा बाबा पत्थर बुद्धि को, बुद्धि कैसी, पत्थर जैसी, कुछ नहीं समझ सके, उनको कितना पारस बना रहा है, वंडरफुल है। तो बाबा ने, हम कहते बाबा शुक्रिया आपका, कहते शुक्रिया काय को कहते हो, मैं तो तेरे को बिस्त देने के लिए आया हुआ हूं ना, तेरी पर बिस्त क्यों कहते हैं? इतने कर्म करो, ऐसे कर्म करो तो यह बिस्त आ जाएगा, क्या समझा? हाँ ऐसे खुशी में कौन है, हाँ कैसे, तेरी पर बिस्त देने आया हुआ हूं, वो भी राइट हैंड। जो बाबा कृष्ण का चित्र है ना, या एक हाथ में मुरली है या बिस्त है, तो जिसका मुरली से प्यार है उसको त्रि पर बिस्त है। कर्मी ऐसे करता है, जो समझते हैं हम बाबा के बच्चों की कर्म अनुसार, श्रीमत अनुसार कर्म हम करते हैं,
बाप टीचर सतगुरु के श्रीमत पर है। बापी ऐसा मिला है, सवेरे सवेरे अमृत वेले बाप है, फिर इस टाइम टीचर है, दिन भर में कौन है? सतगुरु है। ऐसे है, कांध नहीं हिलाते। मैं से पूछते तुम घड़ी घड़ी क्यों कहती कांध हिलाओ, तो मैं कहती कांध नहीं हिलाते मतलब कुछ है क्या, कांध में कुछ है क्या, बोझ है क्या सिर पर है, जो ऐसे 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 नहीं कर सकते हैं। खुशी में जो बात अच्छी लगती है ना, छोटा बच्चा भी ऐसे से करता है। ये तो हम समझदार बच्चे हैं बाबा के, है ना। तो त्री पर बिस्त कैसे आएगा, रेखाएं बदल जाती है ना सारी। पहले हमारी कर्म रेखाएं कैसी थी, अभी कर्म से रेखाएं बदल गई है। देख रहे हो अपने हाथों को? मैंने आपको बताया मैं ऐसे से हाथ करती हूं ना, अचानक जो हाथ देखने वाले कहते तुम्हारा हाथ देखे है, तो एक क्लास के स्टूडेंट ना। तो ऐसा कर्म करे जो एकदम कर्म भी होते रहे, कर्मातीत भी बनते रहे। ठीक है, कर्मातीत स्थिति किसको कहा जाता है, और कर्म ऐसे हो जो बाप ने सिखाए है ना, वही तो कर्म करना है ना। बाप की शिक्षाओं अनुसार कर्म करना है, श्रीमत अनुसार कर्म करना है, मन मत में चल पन, थोड़ा भी मन मत पर चलने वाला या अपने स्वभाव संस्कार के वश रहने वाला रॉयल नहीं है। मेरा तो कान खुल गया आज मुरली पढ़ते, वो रॉयल नहीं है। क्यों? पर पर्सनैलिटी में रॉयल्टी आ रही है, अच्छी तरह से आ रही है, वो सुनते सुनते ही अंदर से रियलाइजेशन हो रही है। मुझे क्या करना है, बाबा कहते हैं सब मेरे पर भी उपकार करते हैं, पर मैं सबका उपकार करता हूं। मैं मेरा काम जो मुझे करना है ना, वो करना है। तो बाबा हम बच्चों कहते हैं तेरे को क्या करना है मैं सिखलाता हूं ना, और क्या करते हैं तुम काहे को देखते हो? ये बड़ी भूल है ना बहने भाई, जवाब दो। और क्या करते हैं? नोट करना, ये ऐसा करता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, तो आंखें कैसी हो जाती है? थोड़ा सा मैं रियलाइजेशन में आते हैं, ये मुझे पता है ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, यूपी में ऐसे करते, बिहार में ऐसे करते, फलाने से करते, फलाने से। अरे ये दिमाग ही खराब करने वाली बात हो गई। पर मुझे क्या करने का, दिमाग ठंडा होने वाली बात हो जाती, वो दिमाग गर्म हो जाता है। ये क्या करते है? दिमाग गर्म हो जाता है या डल हो जाता है, या तो रीस करते हैं। किसके भाग्य से रीस करो तो हम भाग्यवान नहीं बनेंगे। हर एक अपना भाग्य बना रहा है। मेरे को भाग्य बनाने के लिए खुली दिल से बाबा ने कहा बच्ची बच्ची तुम बच्ची हो या बच्चा हो? हाँ, बाबा कहे तुम बच्ची हो? हाँ बच्ची हो। बच्चा हो? बच्ची हो तो तुम्हारा श्रृंगार कर रहा हूं, ससुर घर जाना है। कल परसों मुरली सुनी ना, ससुर घर जाना है इसलिए ऐसा श्रृंगार कर रहा है, दहेज भी तैयार करके पहले से भेज दिया है, दिखाता नहीं है दहेज। बच्चा हो वर्षा पूरा लेना है, हक है हमारा। तो ऐसे अगर हमारा जिस पर हक लगता है वो छोड़ करके, ना हक अपना हक छोड़ के औरों के भाग्य से रिस करेंगे तो मेरा भाग्य नहीं बनेगा। हाँ
मैं भाग्यवान हूं, ये सब जैसे भाग्य बाबा बांट रहा है ना, ये सब भाग्यवान बन जाए ना, बन जाएंगे गारंटी है। इतने सारे सभा कैसे बनी है, कितने 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 वृद्धि है। जब हमारी मुन्नी बहन हाथ उठवाती है ना, बाबा भी हाथ उठवाता है ना, कितने नए आते हैं हर बारी, हर साल इतनी वृद्धि होवे, ये कमाल किसकी है, किसकी है, बाप की। बाप पढ़ाने वाला इतना है, हम बच्चे भी बाबा से पढ़ करके ऐसे लायक तो बने हैं ना, तब तो वृद्धि हुई है। बाबा कहते हैं मैं थोड़ी और देशों में जाऊंगा, वो तुमको जाना है। बाबा तो हम भारत देश से बाहर पाँव नहीं रखा, क्यों रायल है न भगवान, धरती पर पाँव नहीं रखा, भारत देश में ही आता हूं, भारत को स्वर्ग बनाता हूं। तो हमारे बुद्धि रॉयल्टी ये है, पर मैं भी बोली का टाइम पूरा हो, बोली सुनानी है, परंतु हर एक देखे रॉयल्टी किसको कहा जाता है, लिस्ट निकालना रियलाइजेशन में, वो लिस्ट निकल आती है पर्सनलिटी में रॉयल्टी, जैसे ब्रह्मा बाबा की है, मम्मा की है, जैसे दादी की है, सदाई फेस चमकता है, कभी गुस्सा गुस्सा नहीं आता है, कभी किस पर नाराज नहीं होते हैं, बाबा समझाता है पर नाराज कभी नहीं होता है, समझाता ठीक अच्छी तरह से है, तो कान खुल जावे, परंतु प्यारे से समझाता है, बच्चों का भला होवे, जल्दी जल्दी बच्चे शांति धाम में चलने के लिए पवित्र बन जाए, क्योंकि शांति धाम में बाबा को लेके जाना है, तो हम भी समझे परम पवित्र, पूरे पवित्र, जैसे लगे मैं पूज्य बनने वाली आत्मा। कल पुजारी थी, पुजारी भी साधारण पुजारी नहीं, मैल से मंदिर अच्छा बन जाए, ऐसे पूजाए थे, इतनी रॉयल्टी। और विचारों में जाने के बजाय ऐसे अगर विचार करे तो जैसे रत्नों से खेलते हैं, और कोई विचार ऐसे करते हैं तो यहां सिर में दर्द पड़ जाता है, पत्थरों से खेलते पत्थर लगता है। रत्नों से खेलने से चेहरा चमकता है, जो सामने आएगा ना उनको भी जैसे उनसे खेल कराएंगे ना। तो हमारे हमेशा अभी आज के मुरली से रॉयल्टी किसको कहा जाता है, मुख से कभी पत्थर न निकले, दृष्टि में कभी ऐसे न हो, वृत्ति ऐसी हो सबका भला हो। ओके, ओम शांति। मुरली सुनो, अच्छा ध्यान, इधर उधर नहीं देखो, मुरली सुनते भी इधर उधर देखते हैं, ये कल ऊपर बताया था बाबा ने, कहा मुरली सुनते इधर उधर जो देखता है वो मुरली सुन नहीं रहा है, उसको और काम है ना, इधर से उठना फिर ये करना ये करना, वो कर्मयोगी नहीं है, जिसका जो करना होगा वही पर है, सेवा तो करनी है ना, सेवाधारी का काम ही है सेवा करना, पर जब योग में बैठे हैं मुरली सुन रहे हैं उसके फ्री है, समझा, एक लाइन भी मुरली की मिस नहीं हो, एक बोल भी बाबा का मिस ना हो, तभी कहेंगे ये मुरलीधर के बच्चे हैं, ये सत्युग में आने वाली आत्मा है, अच्छी लगती है ये आत्मा।